ये है एमपी का केवटी वाटरफॉल। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा, पूरा चारों तरफ से आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब अगर आप आएंगे तो बच्चों को बहुत ही सावधान रखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल, हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे एमपी क्यूटी वाटरफॉल के पास। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि स्वागी पहाड़ से यहाँ तक का सफ़र मैंने आपको दिखाया था, और उसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यूटी वाटरफॉल कैसा है। और आज हम आए हैं जो है प्रयागराज से, 95 किलोमीटर चल करके मेरे घर से ये दूरी जो है पड़ा है। और मेरे साथ देखिए कौन कौन है। ये हमारे हैं बड़े भाई, जो है हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, इनका नाम सोनू है। और इधर भाभी जी हैं, भाभी जी हाय कर दीजिए। और इधर हमारा एक भाई हमारे जो है मोहल्ले में, और करण नाम है इनका। और इनके दोनों बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। भाई उन दोनों को पकड़ो यार, बहुत भाग रहे हैं। जब से आए हैं ना ये लोग भाग ही रहे हैं। तो हम लोग जो है प्रयागराज से आए हैं, और हम लोगों ने जो है ट्रैवल किया था 12:30 बजे मैंने जो है चला था घर से। और अभी देखिए 3 बज चुके हैं, 2.5 घंटे लगे हम लोगों को आने में। और हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सामान ले लिया है, खाने पीने वाले चीज़ जो है ले लिया है, चिप्स लिया है, केला लिया है, समोसा लिया है, यहाँ पे स्प्राइट लिया है, और कुछ पानी वानी है। तो चलो अब आगे चलते हैं, आपको यहाँ के दिखाते हैं कि कैसा कैसा नज़ारा है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो इस टाइम जैसे मैं जून में आया हूँ यहाँ पे, और आज तारीख जो है 16 तारीख है, तो अभी तो उतना भीड़ नहीं है। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पे जब बारिश होने लगती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी कम लोग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यूटी वाटरफॉल बहुत ही अच्छा एरिया है। तो आपको आगे दिखाते हैं चल करके। चलो सब लोग ले लो सामान, ये एक एक उठा लो भाई, बंदर से बचा के रखना है क्योंकि बंदर यहाँ पे अभी आ ही जाएंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था पार्किंग वहाँ लगाने जा रहे थे, लेकिन बंदर बहुत ही ज़्यादा थे, इस वजह से गाड़ी हम लोग ने वहाँ पे अपनी खड़ी कर दिया है। और उधर बहुत सारे लोग अभी स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ये छोटू बंदर देखिए, ये पहले ही केला लेके खाने लगा है। आओ भाई इसको पकड़ के ना, नहीं पानी में गिर हो सकता है। यहाँ पे बारिश जब होती है ना तो पूरा भर जाता है भाई, पूरा यहाँ तक पूरा पानी पूरा बहता है। अभी तो सिर्फ वहीं तक पानी बह रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और देखो बंदर एक वहाँ पे आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, सामने बंदर है एक, इधर देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है। वहाँ पे कितने सारे लोग अभी नहा रहे हैं। आप कैसे उतरोगे भाई ऐसे? चलो अरे रुद्र इधर आओ, ए बंद, बहुत लापरवाही ना करो ना वरना। अरे इधर से आओ, इधर से आओ, आओ चढ़ाओ, हाथ धो अपना, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, आओ शाबाश। चलो इससे चलो, और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक, जिसको पकड़ो रुद्र तो और तेरी, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं। इस तरह से आप नज़ारा देख सकते हैं क्यूटी वाटरफॉल का कैसा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी जो है बैठे हैं, देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। वो तो जो है सबसे ऊंचाई वाला एरिया है, और इधर भी कुछ भाई लोग हैं, और वो सामने किला है, और पत्थर इधर देख सकते हैं कैसा है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक गुफा टाइप में पत्थर जो है पानी से पूरा कट कट के पूरा गुफा बन गया है वहाँ पे। आराम से, ज़्यादा उधर किनारे मत जाओ, तुम इधर ही रहो, तुम इधर आओ, नहीं नहीं उधर मत बैठो, उधर बैठो भाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब अगर आप आएंगे तो बच्चों को बहुत ही सावधान रखना। ए, 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 बंदर और तेरी, अबे भाई देखो कैसे बंदर छुपा है। अभी तो ये रुद्र का पूरा ले जाता है भाई, जौन स्पीड से, तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया, लेकिन बंदर देखिए वहाँ भी जो है कुत्ते परेशान कर रहे हैं बंदर को। और देखिए बहुत ही स्पीड से आया था ये बंदर, बहुत ही स्पीड से आया था भाई। ओए गिर जाओगे भाई, वहाँ काहे बैठे हो? आ इधर आ, इधर आ, रुद्र तुम्हारा वही देख रहा है, देखो 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 देखो, ए भाई बहुत परेशान कर रहे हैं यार। करण उधर सड़ जाओ भाई, उधर सड़ जाओ, हट जाओ, यहाँ पे जो है बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं भाई। चलो कुत्ते जो है ये हमारे बॉडी गार्ड बन गए हैं भाई, चलो इनके वजह से जो है बंदर देख करके भाग गए हैं भाई। जल्दी जल्दी ख़त्म करो जो भी लाए हो यहाँ पे, पहले खा लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे अच्छे एरिया यहाँ पे दिखाते हैं, लोकेशन दिखा देते हैं। ये हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे, बंदर आ गए हैं, एक बच्चा भी उसके साथ छोटा सा भाई, समोसा भी उसका छोटा वाला, तो एक दो इन लोग को दे देते हैं। ढेर आ रहे हैं, थोड़ी समझ लो ढेर आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है भाई। देखो ना करो, दे दे, देना पसंद नहीं है भाई, जल्दी से खा खा के खत्म करो यार जल्दी से, वरना पूरा बंदर आ गए हैं भाई,
बहुत ये लोग गुस्सा रहे हैं। वो लेके भाग गई। अबे यार भाई हट हट, अबे हर तरफ बंदर ही बंदर भाई, बच गए यार भाई, जल्दी हटा दे यार। पहले तुम ले लियो ठीक है, तुमको नहीं देंगे। हटो यहां से, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे हैं, सबके ऊपर लग गए। ये कैच ले लिया भाई, ये लो, ये भी कैच ले लिया। हां, ये सब तो सरदार है, कितने सारे पकड़ा। भाग रहे हो, चतुर, चतुर खत्म हो गया है, खत्म हजार खत्म एकदम। देखो उसको, देखो बच्चे को, कितना छोटा सा है, देखो कितने छोटे एकदम पूरा छिलका खा रहा है एकदम। लेकिन अब तो जितना था पता नहीं था कितने बंदर है यहाँ पे, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीड़े ले आते हम लोग इसको खिलाने के लिए। देखिए बंदर यहाँ पे पेड़ पे कैसे बैठे हैं, और नीचे जस्ट एकदम पूरा खाई है। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, हट हट हट, गुस्सा रहे हैं ये लोग भाई, अभी तो काट और लेते यार भाई लापरवाही नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ जस्ट दिखा रहा था, लेकिन देखो कितना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अभी इन्हीं लोगों को जो है पूरा नाश्ता भी हम लोग खिलाए हैं एकदम अच्छे से, पूरा जितना भी हम लोगों ने लाया था। ये देखो ये पीछे पीछे आ रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। चलो, और हमारे भाई लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आपको दिखाते हैं उधर चल करके। भाई अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, बंदर पर थोड़ा चहेट लिया था यार। ये देखो झरना यहाँ से, यहाँ से पूरा साफ साफ दिख रहा है एकदम, जो पानी गिर रहा है, बहुत ही मस्त नज़ारा दिख रहा है इधर से। और इधर चलेंगे, इधर से दिखाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी किया जा रहा है इस साइड, और कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का क्यूटी फॉल का। और चलते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। और अभी तक का ये सबसे ऊंचा वाला एरिया है पत्थर पे। ओह भाई उधर तो कोई जाता ही नहीं यार, सब इधर ही आते हैं। और सामने ये किला है केवटी का, ये केवटी किला है। और कुछ ऐसा है नज़ारा, और अभी हम एकदम पत्थर के ही इस वाले एरिया पाए गए एकदम, जहाँ से पूरा पूरा झरना दिखता है मेरे पीछे, यहाँ से देख सकते हैं पूरा पानी दिख रहा है यहाँ से। पानी तो बहुत कम गिर रहा है, इसलिए वजह से जो है अच्छा कम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे मौसम बना रहा है, अभी जो है एकदम ठंडा मौसम हो गया है। और इधर देख सकते हैं कितनी ही बड़ी खाई दिख रही है। तो अभी हम लोगों ने जो है इधर का नज़ारा देख लिया है, तो अब हम लोग जो है उधर जा रहे हैं उस तरफ, और वहाँ से देखने में ये कितना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आपको पहुँच करके दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ से ये सामने एकदम झरना दिखता है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पानी के पास, और इस पानी के अंदर यहाँ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी जो है मछलियाँ हैं, तो देख सकते हैं वहाँ पे मछलियाँ। देखिए इधर सारे लोग बैठे हैं, पानी का एंजॉय कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, इधर सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और अभी मौसम एकदम जो है घेर लिया है, बादल बारिश का मौसम यहाँ पे बना रहा है अभी। ये क्या कर रहे हो भाभी क्या हुआ, क्या करें, पत्थर में से पानी निकल रहा है और क्या। हाँ देख तो लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जंगल से होते हुए गुजर रहे हैं पत्थरों के बीच में, और बहुत ही सावधानी के साथ हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं ना, बहुत दूर जाना पड़ेगा चल करके। गाड़ी तो हम लोगों ने वहाँ पे लगा दिया है, तो गाड़ी अगर जाएंगे, गाड़ी से निकाल के आएंगे, तो पूरा 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। इस वजह से जो है हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे झरना गिर रहा है, और पानी जहाँ पे पूरा पूरा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे देखिए, देखिए कोई वहाँ पे बंदा है, वहाँ पे देखिए नाव छोटी सी बना करके वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब जाल बिछाया है, जाल ऐसे ऐसे लहरा रहा है, मछली पकड़ रहा है, मछली झील अभी बहुत कम है,
और पानी अभी बूंदी पड़ने लगी है पानी की, और बरसात का टाइम अभी बस शुरू ही होने वाला है, तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहने लगेगा। पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा कवर करेगा जब पानी यहाँ झरना गिरेगा, तो बहुत चौड़ान हो जाएगा। तो अभी हमने जो है इधर का भी नज़ारा देख लिया कि इधर से क्यूटी फॉल कैसा लगता है, और भी हल्का हल्का जो है बारिश होने लगी है। तो जो है टाइम अभी हो गया है 4:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हम लोगों को जो है घर निकलना पड़ेगा, वरना जाते जाते तो अभी 2 से 2.5 घंटा तो लग ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। तो आइए फिर चलते हैं, उतर के चलते हैं बाइक के पास। देखिए अभी यहाँ पे जितने लोग थे सब लोग चले जा रहे हैं, और वहाँ पे देखिए एक मंदिर भी है छोटी सी, और वहाँ पे कुछ दुकानें हैं छोटी मोटी। तो चलो गाड़ी पास में वहाँ पे खड़ी है, अब बाइक के पास चलते हैं। बाकी आप यहाँ पे जब आना तो आपको एकदम सावधानी से चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक एरिया है। जैसे कि आपको पता है कि झरने के पास आपको जब जाएँ तो एकदम सावधानी से जाए, ज़्यादा किनारे ना जाए, वरना गिरने का चांस भी बढ़ जाता है। और जिसके साथ आए उसका एकदम अच्छे से पूरा ख्याल आपको रखना है, और साथ में अपना भी ख्याल रखना है। तो अभी हम अपने बाइक के पास आ चुके हैं, बारिश अभी हो रही है, तो अब निकलते हैं घर। उससे पहले यहाँ पे अपने भैया भाभी से पूछ लेते कि यहाँ पे आपको कैसा लगा। तो बताइए आपको यहाँ पे घूम करके ये नज़ारा देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है जी। पहली बार आए हैं ना आप? हम तो बहुत जिंदगी पहली बार तो आए हैं। पहली बार आए हैं भाभी इधर। आप बताओ कैसे, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? हाँ ठीक लगा ना, चलो ठीक है। बाकी आप बताओ कराना, आपको यहाँ पे कैसा लगा घूम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा घूम के, मैं एक बार और भी आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो हम जो है अब निकल रहे हैं, बारिश अभी होने लगी है, क्योंकि घर जाते आते भी टाइम लगेगा। अभी देखिए 5 बज चुके हैं, 5 मिनट बाकी 5 बजने में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय। अरे क्या हाल है, काफी बड़ी मार्केट है यहाँ। और अभी हम लोगों ने अपने गाड़ी बंद कर दी है और वापस घर जा रहे हैं, तो गाड़ी को बंद कर दिए हैं और ढलान से गाड़ी उतर रही है, जा रही है। चलो कुछ देर जो है तेल तेल बच जाएगा, ऐसे ही चलेगी गाड़ी।